हेलो दोस्तों, मैं हूँ रसिक धामिलिया। कानून में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मारामारी में या 307 में कैसे लोग छूटते। मारामारी यानी कि उसमें आईपीसी कलम 323, 324, 325, 26 लगती है, और 307 उसमें लगती है महाव्यथा में। महाव्यथा यानी कि मरते मरते बच गया जो, उसमें वो केस में 307 की कलम लगती है। तो ज़्यादातर तो उसमें ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ केस में वो केस में सज़ा लग सकती है। उसका कारण ऐसा है कि फरियादी सामने है, खुद घायल जो हो गया है वो आपके सामने है, वो खुद बता रहा है कि इसने मुझे मारा है, तो उसमें सज़ा लगनी ही लगनी है। शायद ऐसे कोई ना कोई टेक्निकल ऐसा पॉइंट हो जाता है तो बाई चांस वो केस में छूट सकते हैं। लेकिन वो केस में छूटने का सबसे बेस्ट तरीका तो आप उससे कम्प्रोमाइज समाधान कर लो। लेकिन जो बनाओ, जो घटना घट जाती है, तात्कालिक में वो लोग गुस्से में रहते हैं तो समाधान वो लोग करते नहीं है। तो ऐसे केस में 323, 324, 25, 26 में जो लगभग जमानत तो मिल ही जाती है, वो सामने वाले को मतलब जो हॉस्पिटल में उसकी सारवार हुई वो वहाँ से मतलब दवा खाने से उसको छुट्टी दे देते हैं, उसके बाद लगभग जमानत हो जाती है। लेकिन 307 में महाव्यथा में जल्दी जमानत नहीं होती, उसमें हाईकोर्ट लगभग जाना पड़ता है, वहाँ से अगर जमानत हुई तो हुई, ऐसा होता है। और समाधान में आप शानदार भेदनर सब तरीके अपना सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी कोई तरीका आपने अपना है, जैसे कि आप जेल में हो और बाहर कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है, उसको आपने बोला कि उसको तू धमकी दे कि वे केस में समाधान कर ले, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे, या फिर उसको मारने के लिए जाए, ऐसा करने जाएंगे तो जरूर आप फंस जाओगे। जो केस है वो तो उसमें तो आप फिट हो ही जाओगे, ऊपर से एक केस और बढ़ जाएगा। तो क्या किया जाए ऐसे केस में छूटने के लिए, तो आप है थोड़ा टाइम तो आप जरूर निकालिए, उसका गुस्सा शांत होने दीजिए। तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप समाधान की मैटर रख सकते हैं, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को वहां भेज सकते हैं और बातचीत करवा सकते हैं और समाधान करवा के आप छूट सकते हैं। और अगर आपके वो केस में जमानत हो जाती है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जमानत होने के बाद कोर्ट में केस जल्दी नहीं चलता, केस थोड़ा लंबा खींचा जाता है, तो उसके बाद वो लोग का गुस्सा शांत हो जाता है, तो वो टाइम पे आप समाधान का बात रख के आप वो केस में निकल सकते हो। बहुत ऐसे कम केस होते हैं कि ऐसे केसों में टेक्निकल पॉइंट में छूटते। मैं ऐसे टेक्निकल पॉइंट में छूटा था तो मुझे मालूम है कि मेरे अहमदाबाद में मेरा 307 का एक केस बन गया था, मतलब मेरे पे कलम लगवा दिया था फरियादी ने। तो वो केस में क्या हुआ था कि केस जब चला तब जज साहब ने खुद ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूछताछ किया था, मेरे वकील भी डिफेंस करते थे, लेकिन जज साहब को ये पॉइंट दिमाग में आया था और मेरे वकील का दिमाग में भी ये पॉइंट नहीं आया था। जज बहुत अच्छे थे, उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूछा कि भाई ये लोग की मारामारी कहाँ हुई, तो उसने इंस्पेक्टर ने बताया कि मारामारी अपार्टमेंट में पहले मंजिले पे पहले माल पे हुई। तो बोले मारामारी वहां खत्म हो गई? बोले नहीं, मारामारी होते होते नीचे पार्किंग तक ये लोग गए। और कितने जन घायल हुए? तो बोले 5 जन घायल हुए। तो उसमें कौन सा हथियार आरोपी के हाथ में था? आरोपी के हाथ में बड़ा सा चाकू था, तो चाकू बड़ा सा था, 5 जन घायल हुए तो सबको तो लगी होगी। हाँ बोले लगी थी सबको, तो उसमें खून भी गिरा होगा। हाँ गिरा था। तो जहाँ पहले माल से लेके नीचे पार्किंग तक खून गिरा था तो उसका आपने पंचनामा किया? तो वो इंस्पेक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं किया। तो मतलब वो टेक्निकल पॉइंट हाथ में आ गया कि जब 5 जन घायल हो गए हैं, मारामारी हुई है, चाकू से घायल हुए हैं, तो खून तो गिरना ही है, तो वहां खून गिरा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वहां पूरा अपार्टमेंट का पब्लिक इकट्ठा हो गया था, तो पब्लिक आपस में मतलब दौड़ने में या इधर उधर गिरने में या किसी का कुछ लग सकता है, ऐसा हो गया मतलब। तो ये इसका मतलब साबित ये होता है कि आरोपी के चाकू से किसी को लगा नहीं है, क्योंकि वहां नीचे खून तो गिरा ही नहीं है। तो केस में मुझे जज साहब ने निर्दोष छोड़ दिया था। तो ऐसा टेक्निकल पॉइंट बहुत कम केस में होता है। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कानून का जानकार बनाने के लिए मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।